हेलो एवरीवन, आई एम एमके एंड यू आर वाचिंग टेक ऑफिस। यहाँ पे अभी मैं आपको फुल कैमरा कंपैरिजन देने वाला हूँ रियल मी X50 प्रो और मी 11X के बीच में। आप सभी को पता है कि मैंने कुछ दिन पहले इसे बाय किया और मैं इसे करीब करीब 6 से 8 मंथ पहले से इसे यूज कर रहा हूँ और मैंने अक्सर जिक्र किया है इस डिवाइस के बारे में कि इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, बस कैमरे के मामले में पीछे पड़ जाता है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी हमें देखने को मिल जाता है, इसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल का है लेकिन कैमरा सेटअप उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो दोनों काफ़ी हाई प्राइस के साथ आता है और वहीं पे इसका कैमरा उस प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। तो दोनों फ़ोन हैं जो कैमरे के मामले में पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि जब दोनों फ़ोन के कैमरे डाउनग्रेड है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो क्या एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं? ये कौन यहाँ पे विन होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। तो यहाँ पे इस बार काफ़ी लो प्राइस में ये फ़ोन सेल हो रहा था, जिसमें से बहुत सारे यूजर्स ने इसे बाय किया है और फिर उसके बाद इसका प्राइस भी ड्रॉप हुआ। तो करीब करीब 25 के आसपास दोनों का है जो प्राइस अभी चल रहा था सेल में, ऑफर में। तो कुछ लोगों ने जो मी को प्रीफर किया है तो कुछ लोगों ने रियल मी को प्रीफर किया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा कैमरा देखने को मिलता है और अगर इन फ्यूचर आप बाय करना चाहते हो तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको मी 11 के साथ जाना चाहिए या फिर रियल मी के X50 के साथ जाना चाहिए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैमरे का सेटअप कि क्या कुछ हमें कैमरे की सेटिंग देखने को मिलता है, उसके बाद हम फोटोज़ के ऊपर चलेंगे। तो आप देख सकते हो दोनों में मैंने कई सारे फोटोज़ क्लिक कर रखे हैं जो कि मैं साइड बाई साइड आपको शो करूँगा, लेकिन उससे पहले कैमरे की सेटिंग के ऊपर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोड से। यहाँ पे आपको मोड में पैनोरमा, स्लोमो, टाइम लैप्स और टेक्स्ट स्कैनर देखने को मिलता है, अल्ट्रा मैक्रो देखने को मिलता है और यहाँ पे एक्सपर्ट जो कि प्रो मोड है। बट ये जो प्रो मोड है सिर्फ और सिर्फ आपको फोटोज के लिए मिलता है, वीडियो के लिए देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे एक छोटी सी कमी मिलती है क्योंकि ये काफ़ी टाइम पहले फ़ोन आया था, करीब करीब 1 ईयर हो चुका है और अभी कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड चल रहा है वीडियो प्रो मोड वगैरह का, इसके वजह से इसमें आपको देखने को नहीं मिलता। सॉफ्टवेयर से इनेबल किया जा सकता है बट कौन इतना करता है भाई, कोई भी कंपनी बाद में एडवांस फीचर्स इनेबल नहीं करके देती है। जो स्टार्टिंग में दे दिया सो दे दिया, एक दो फीचर्स आते हैं और उसके बाद नहीं आते हैं, तो ये सभी कंपनी का सेम हाल है। लेकिन यहीं पे अगर हम अपने बात करें यहाँ पे रियलमी के अलावा मी 11X का, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं जहाँ पे 48 शॉर्ट वीडियो, पैनोरमा, डॉक्यूमेंट, व्लॉग, स्लो मोड, टाइम लैप्स, ड्यूल मोड, मूवी इफेक्ट्स, AI, वाटरमार्क, लॉन्ग एक्सपोजर और क्लोन वगैरह के फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है उनके लिए जो कि कैमरा वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं। और वहीं पे अगर हम आते हैं नाइट साइड के ऊपर, तो यहाँ पे भी आपको नाइट साइड देखने को मिलता है और इसमें भी नाइट साइड देखने को मिलता है, लेकिन कौन पावरफुल है वो तो बाद में पता चलेगा। और यहाँ पे अल्ट्रा नाइट स्केप भी देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट के अंदर पोर्ट्रेट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, साथ साथ यहाँ पे स्टूडियो का भी एक ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप काफ़ी अच्छे खासे लाइट कंडीशन के जो फोटोज निकाल सकते हो। बट अगर हम यहाँ पे इसके पोर्ट्रेट पे आते हैं तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, बस 1x, 2x और थोड़े बहुत फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे और ब्यूटी के ऑप्शंस वगैरह देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी स्टूडियो रिलेटेड फीचर्स देखने को नहीं मिलता। ये हमारा है जो 64 है और ये हमारा 48 है, तो वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर फोटोज़ की बात करें तो दोनों में फोटोज़ में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे 5x तक जूम, जबकि यहाँ पे आपको जो 2x तक जूम देखने को मिलता है और यहाँ पे टेलीफोटो भी देखने को मिलता है, जो कि इस फ़ोन का एडवांटेज हो जाता है। वहीं पे HDR, AI और फिल्टर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है कई सारा, और यहाँ पे भी HDR और AI देखने को मिलता है और फिल्टर्स यहाँ पे भी देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जैसे टैप करते हैं मूवी फ्रेम का, ग्रिड का, सुपर माइक्रो का, टिंट का और यहाँ पे टाइम बर्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट इसकी सेटिंग ओपन हो जाती है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे 4K के अंदर वीडियो के अंदर दोनों का कहानी कुछ एक ही जैसा है। जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ तो इसमें भी 4K 30fps ही दिया गया, 60fps नहीं दिया गया और बाद में इनेबल किया गया। तो आप अगर सेटिंग में जाओगे तो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो 4K 60fps, बट यहाँ पे कभी कभी इशूज आता है, जटरीनेस देखने को मिलता है वीडियो के अंदर, लैग वगैरह देखने को मिलता है, फ्रेम स्किप होता हुआ। तो ये भी अभी प्रॉपर 100% उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है, किसी के लिए वर्किंग है तो किसी के लिए नहीं वर्किंग है। और सेम कहानी यहाँ पे भी है कि अभी ये लॉन्च हुआ है हाल फिलहाल में और 4K यहाँ पे 30fps ही है, क्योंकि इसका जो कैमरा का सेंसर है वो उतना कैपेबल नहीं है कि रिकॉर्ड कर पाए। बट अगर हम GCam को ट्राई करते हैं तो GCam इजीली जो रिकॉर्ड कर पाता है 4K 60fps तक। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आगे चल के हमें जो कैमरे में अंदर देखने को मिल जाए, जैसे कि इसमें इनेबल हुआ है इसके अंदर भी, बट वो तो टाइम की बात है। बात और बाकी यहाँ पे आपको मैक्रो से भी है जो वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता है, AI जूम का, AI कैमरा और ट्रैकिंग का भी ऑप्शन मिलता है और मूवी फ्रेम का। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है कैमरा सेटअप का, जबकि रियलमी के अंदर उतना ज़्यादा एडवांटेज आपको नहीं मिलता है वीडियोज़ के अंदर। एक बूके इफेक्ट का फीचर्स मिल जाता है जो कि रियलमी ने सबसे पहले ईजाद किया था।
तो आप यहाँ पे बुके इफेक्ट वगैरह कर सकते हो वीडियो के लिए, जो कि यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे प्रो मोड के अंदर आपको प्रो वीडियो मिल जाता है, प्रो आपको जो देखने को मिल जाता है फोटोज के लिए भी, और यहाँ पे सेचुरेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, 48 वगैरह का भी ऑप्शन मिलता है और कलर्स वगैरह के भी ऑप्शन मिलते हैं। जबकि यहाँ पे जो हमारा वीडियो है वो सिंपल सा ही देखने को मिलता है। अगर कैमरे सेटअप और फीचर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा मी 11X के अंदर, जबकि रियलमी एक्स 50 प्रो के अंदर उतना ज़्यादा एडवांटेज देखने को नहीं मिलता है। अब एक नज़र डाल लेते हैं हम अपने स्पॉन्सर्स के लिए। यहाँ पे अमेरिका से आया है मेरे पास एक सेल्फी स्टिक, और अक्सर ये है जो टेम्पर ग्लास वगैरह बैक कवर भेजते रहते हैं, जिनका मैं एसेसरीज का वीडियो देता हूँ। और आपको पता है भाई, कोविड का सिचुएशन है, बाहर जा नहीं सकते। किसी से अगर कह दिया भाई मेरा एक सेल्फी खींच दे, तो अगर उसको भाई कोविड हुआ पॉजिटिव तो आप भी हो जाओगे, और पता चला कि सेल्फी फ़ोन में दिखने की जगह आपके दीवार पे टंग गई, वो भी फूल माला के साथ। तो ऐसा ना करें, बाहर ना निकले, ज़्यादा बेटर रहेगा। और फोटोज क्लिक करना है तो सेल्फी स्टिक का यूज करें, और वहीं पे ये सेल्फी स्टिक काम आएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पुराने डिवाइस है जिनमें 3.5mm जैक है, उन पे ही वर्किंग है। मैंने टेस्ट किया है मी 11X के ऊपर, अडेप्टर यूज करते हुए तो काम नहीं कर रहा था। तो अगर आपके पास है कोई ऐसा फ़ोन जिसमें जैक वगैरह का सपोर्ट है तो आप इसे यूज कर सकते हो, और काफ़ी लंबा चौड़ा यह बाहर की ओर आ जाता है, जो कि मुझे यहाँ पर रियली में काफ़ी ज़्यादा सही लगा। तो काफ़ी दूर कर सकते हो इसे और फोटोज क्लिक कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ यह कैसे काम करता है। ऐसे तो आपको पता ही होगा किस तरीके से, और यहाँ पे टाइट करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। और ये जो इसका माउंटनर है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, परफेक्टली ये जो फ़ोन को पकड़ लेता है ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना आए। बटन के ऊपर चला गया भाई, हाँ अब ठीक है। और ये आपको केबल मिलता है जो कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको कैमरा ओपन करना है, और सेल्फी क्लिक वगैरह तो आपको पता ही है। ये रहा यहाँ पे बटन, जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे यहाँ पे आपका जो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और आप यहाँ पे फोटोज है जो क्लिक कर पाओगे। तो ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और मैंने यहाँ पे जो ट्राई भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं आता। तो इस सेल्फी स्टिक पे आप इंटरेस्टेड हो तो इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे बाय कर पाओगे, और भाई विदाउट किसी के हेल्प के खुद से जो सेल्फी निकाल पाओगे। और दीवार पे फूल माला टंगने से बेटर होगा कि भाई आप सेल्फी स्टिक का ही यूज करो। और ये मी 11X के ऊपर मैं अभी फिलहाल टेम्पर ग्लास यूज कर रहा हूँ, जो कि शायद आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। काफ़ी सॉलिड है, और इसका जो डिफॉल्ट केस आता है उसी के ऊपर अप्लाई है, तो कोई भी दिक्कत नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपको ये चाहिए तो इसका भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने इसका वीडियो नहीं दिया एसेसरीज का, इन फ्यूचर मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको अभी का भी चाहिए तो आप इसे बाय कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी बैक केस अवेलेबल नहीं हुआ है, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो फोल्डर नज़र आ रहे हैं, एक्स 50 और मी 11X, जहाँ पे मैंने दोनों का जो क्लिक कर रखा है। तो साइड बाय साइड में है जो दोनों के फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको साइड बाय साइड दिखाऊंगा कि क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा है जो कि फोल्डर एक है मी 11X का, और इसे ओपन कर लेते हैं जो कि हमारा एक्स 50 प्रो का। दोनों के अंदर 26:26 है, दोनों का मैंने फोटो को साइड बाय साइड ओपन कर रखा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और वाटर मार्क से भी पता चल जाएगा जहाँ पे ये रियलमी एक्स 50 प्रो लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इस फोटो के ऊपर अगर हम जूम करें, फोकस करें, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जूम किया, डिटेल्स काफ़ी अच्छा खासा है फेस के ऊपर, और यहाँ पे जो ये थोड़ा ब्लो आउट यानी ब्लर ब्लर देखने को मिलता है, क्योंकि रियलमी का जो एक्स 50 प्रो है इसका रियली में मुझे सेल्फी कैमरा पसंद नहीं आया, उतना पावरफुल नहीं है। ओवरऑल ऑन स्क्रीन अच्छा लगता है, बट अगर आप डिटेल ढूंढोगे तो डिटेल आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी सब कुछ यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, बस डिटेल की कमी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी स्टाइल में लिखा गया है वाटरमार्क, जबकि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वाइट साइड से जो लाइट आ रहा था दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर टाइप का इमेज देखने को मिला है। और जूम करके डिटेल के चेकआउट करें तो यहाँ पे भी डिटेल है जो मी 11X में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो, जबकि यहाँ पे वही आपको ब्लर ब्लर इमेज देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट इमेज के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट है जो मैंने सन के अगेंस्ट जाके यहाँ पे क्लिक किया है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे मी 11X के अंदर फेस ब्लैक हो चुका है, जबकि यहाँ पे आपको जो स्काई वगैरह अच्छे से क्लियर देखने को मिल रहा होगा बैक साइड का, जबकि यहाँ पे पूरा लाइट आ चुका है ताकि इस पे फेस पे हल्का फुल्का डिटेल हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे दोनों फोटो यूजेबल नहीं है, बट यहाँ पे इसने बैक को मेंटेन किया है और इसने जो फेस को मेंटेन करने की कोशिश की है। साथ ही साथ नेक्स्ट इमेज के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे दोनों के अगर डिटेल की बात करें तो यहाँ पे डिटेल आपको मी 11X के अंदर अच्छा देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे एक्स 50 प्रो के अंदर फेस वही पे फिर से ब्लर हो चुका है। पीछे की अगर डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाओगे काफ़ी अच्छे तरीके से पता चल पा रहा है, और यहाँ पे भी बट जो शार्पनेस हमें देखने को मिल जाता है जो कि मुझे देखने को मिला मी 11X के अंदर। तो यहाँ पे मी 11X जो सेल्फी के मामले में काफ़ी कमाल कर रहा है, जबकि एक्स 50 प्रो पीछे है। यहाँ पे फिर से आ जाते हैं सेल्फी के अंदर, तो फिर से आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ब्लर इमेज टाइप का यहाँ पे, जबकि मी 11 के अंदर काफ़ी अच्छा खासा है जो डिटेल देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इमेज आते हैं, तो यहाँ पे मैंने पोर्ट्रेट ट्राई किया है, तो पोर्ट्रेट में थोड़ी सी कहानी बदल जाती है। मी 11X के अंदर थोड़ा सा डिटेल दिखाई देना शुरू हो जाता है,
सॉरी X50 Pro के अंदर थोड़ा डिटेल देखने को मिल जाता है जो कि नॉर्मल में दिखाई नहीं दे रहा था, और Mi 11X में सेम टू सेम पहले जैसा ही डिटेल देखने को मिलता है, और दोनों का जो एज डिटेक्शन है मुझे काफ़ी हद तक सही और सिमिलर लगा है। देख सकते हो इसने जो थोड़ा सा कॉलर को पकड़ लिया है, जब यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, तो काफ़ी हद तक जो दोनों का एज डिटेक्शन एक जैसा ही कहूँगा, बट डिटेल के मामले में अभी भी Mi 11X थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है X50 Pro के मामले में। अब वंस अगेन यहाँ पे फिर से मैंने पोर्ट्रेट ट्राई किया है, तो पोर्ट्रेट में पहले इसने पूरा ब्लैक कर दिया था, बट अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल देखने को मिल रहा है, और बैकग्राउंड आप देख सकते हो किसे किसे लाइट अप देखने को मिल रहा है। तो दोनों सिमिलर इमेज है और दोनों यूजेबल नहीं है। साथ साथ फिर से आते हैं पोर्ट्रेट के ऊपर, तो यहाँ पे भी डिटेल दोनों में ऑन स्क्रीन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, बट अगर जूम करके डिटेल चेक करें तो Mi 11X में ज़्यादा डिटेल है, जबकि यहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेल इंप्रूव हुआ है पोर्ट्रेट की वजह से X50 Pro के अंदर। और बैक का जो आप देख सकते हो डिटेल किस तरीके से है, यहाँ पे बुके इफेक्ट कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे बहुत कम है। तो पीछे वाले चीज़ें हैं जो साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि क्या कुछ लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे Mi 11X में वैसा देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का मैंने अल्ट्रा वाइड ट्राई किया है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ कलर का मुझे फ़र्क लगा है। आप स्काई देख सकते हो, नीचे का देख सकते हो, और वहीं पे अगर मैं डबल टैप कर दूँ तो आप देखोगे दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर डिटेल है, और इसका X50 Pro का कलर ज़्यादा बेटर होने की वजह से यानी बूस्टेड होने की वजह से थोड़ा सा अच्छा निकल के आता है इमेज, जबकि यहाँ पर थोड़ा डार्क देखने को मिल जाता है, बट डिटेल मुझे दोनों में सिमिलर लगा है। नेक्स्ट आते हैं इमेजेस के ऊपर, तो यहाँ पे जो मेन कैमरे से क्लिक किया गया है तो इसमें भी डिटेल है जो मुझे काफ़ी हद तक सही देखने को मिला है। और अगर यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो X50 Pro का है जो मेन कैमरे का क्लिक थोड़ा सा टाइम लेता है जूम होने में और डिटेल ओपन होने में, जबकि यहाँ पे इजी जूम हो जा रहा है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क एरिया देखने को मिल रहा है, और इसने काफ़ी हद तक लाइट को मेंटेन किया है। तो इस फोटोज में मैं कहूँगा भाई देखने में भी और डिटेल के मामले में भी रियलमी का X50 Pro काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आता है, काफ़ी अच्छा खासा इसने डिटेल कैप्चर कर रखा है, जबकि Mi 11X थोड़ा सा पीछे हो जाता है। यहाँ पे फिर से जो 2X पे क्लिक किया गया है, तो दोनों में से मैं फिर से 2X में पिक करूँगा रियलमी के X50 Pro का, जिसका लाइट कंडीशन काफ़ी अच्छा है और डिटेल्स भी काफ़ी अच्छे खासे जो दिखाई दे देता है। वहीं पे अगर फिर से आते हैं तो इसमें आपको 5X देखने को मिलता है, जो कि टेलीफोटो है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, और इसे मैंने मैनुअल 5X तक लेके गया हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा है जो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा डिटेल देखने को मिल जाता है। तो बैक कैमरे के मामले में हमारा जो Realme का X50 Pro है काफ़ी अच्छा खासा जो परफॉर्म कर रहा है। वंस अगेन आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। यहाँ पे अगर मैं दोनों को मैनुअल जूम कर देता हूँ करीब करीब 25, तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से हमें जो डिटेल देखने को मिला है। 25 यहाँ पे हुआ नहीं, ठीक है, तो आप यहाँ पे साइड बाय साइड देख पाओगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि किसका डिटेल आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। मेरे नज़र में तो दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर ही हैं, थोड़ा बहुत 0.5 का फ़र्क है, लेकिन काफ़ी हद तक है जो सेम रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है 64, और साथ ही साथ हमारा है जो 48। यहाँ पे मैंने नाइट मोड ट्राई किया है दोनों का, तो नाइट मोड दोनों में शार्पनेस काफ़ी अच्छा खासा है, बट इसमें थोड़ा डार्कर एरिया ज़्यादा देखने को मिल रहा है और यहाँ पे लाइट एरिया ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर बॉक्स के ऊपर हम फोकस करते हैं तो देखते हैं किस पे क्या डिटेल देखने को मिल जाता है। तो दोनों को सेम जूम कर लेते हैं 25, और उसके बाद चेक करेंगे कि किसमें प्रॉपर डिटेल हमें जो नज़र आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स बिल्कुल ही बेकार सा दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे Realme X50 Pro में काफ़ी हद तक है जो काफ़ी साफ और क्लियर देखने को मिल जाता है। तो नाइट सेट के मामले में भी हमारा जो Realme का X50 Pro है काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और दूसरे इमेज की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि जो X50 Pro है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है नाइट मोड के अंदर। वंस अगेन यहाँ पे मैंने फिर से ट्राई किया है, जो कि 64 और 48 को चेक किया है देखने के लिए क्या हमें डिटेल देखने को मिलता है। तो दोनों में सेम जूम करेंगे, यहाँ पे मैं इसे 40 कर लेता हूँ, उसके बाद इसे भी हम 40 कर लेंगे, उसका थोड़ा कम करके चेक करेंगे, तो हमारा ये आ चुका 40, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, किधर गया भाई हमारा टंकी, ये रहा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से डिटेल देखने को मिल रहेगा, तो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा थोड़ा बेटर डिटेल X50 Pro के अंदर दिखाई दे रहा है, जबकि Mi 11X के अंदर उतना ज़्यादा अच्छा डिटेल देखने को नहीं मिलता। यहीं पर अगर हम इसे कर लेते हैं 20, और दोनों को 20 पे चेक करते हैं कि क्या देखने को मिलता है, तो ये रहा। तो आप यहाँ पे आप देख पाओगे जो इस पर लिखा हुआ है स्कूल का नेम, वो दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर देखने को मिल रहा है, बट बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिलता है Realme X50 Pro के अंदर, जबकि Mi 11X थोड़ा सा पीछे हो जाता है। और लाइट कंडीशन भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कलर बूस्ट होता है X50 Pro के अंदर। तो ये जो डिटेल्स है मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा सही लगा है दोनों के मामले में, और थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिला है। तो अगर आपने X50 Pro बाइक कर रखा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और Mi 11X बाइक कर रखा है तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है, लेकिन वहीं पे डिटेल के मामले में थोड़ी सी कमी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस इमेज में भी आप देख सकते हो साइड बाई साइड यहाँ पे पंची कलर है, यहाँ पे थोड़ा डार्क एरिया ज़्यादा है, बट डिटेल दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर है।
अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मैक्रो का ऑप्शन, जो कि X50 Pro है, उसमें थोड़ा 2 मेगापिक्सल तो उतना अच्छा नहीं निकल के आता है, जबकि हमारा X50 Pro के अलावा Mi 11X काफ़ी पावरफुल यहाँ पे है जो हमें प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हो साइड बाई साइड काफ़ी क्लोज चला जाता है Mi 11X, जबकि हमारा X50 उतना ज़्यादा क्लोज नहीं जा पाता। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरीके से इमेज हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे Mi 11X काफ़ी ज़्यादा है जो बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है X50 Pro के कंपेरिजन में, जो कि आप यहाँ पे जो देख सकते हो साइड बाई साइड। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने वीडियो है जो ट्राई किया है दोनों का, तो मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके से वीडियो का आउटपुट देखने को मिल जाता है, जो कि ये रहा हमारा 4K 60fps। Mi 11X का जो ऑडियो कैप्चर क्वालिटी है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा है, जबकि X50 Pro में काफ़ी लो साउंड हमें देखने को मिलता है। अब चालू करते हैं 4K का 30fps दोनों का सेम टू सेम। तो यहाँ पे भी जो Mi 11X का जो ऑडियो थोड़ा बेटर निकल के आता है X50 Pro के कंपैरिजन में, जबकि यहाँ पे Mi 11X के अंदर ओनली ऑन 5X जूम हो पाता है 6X, जबकि X50 Pro में 10X तक हम जूम कर सकते हैं वीडियो को, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो साइड बाई साइड किस तरीके से डिटेल हमें देखने को मिलता है। तो आई होप सो गाइस कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, यहाँ पे कोई भी डाउट आपका रहा नहीं होगा। वीडियो लॉन्ग हो गया है, आई नो डेट कई सारे मैंने मिस्टेक भी किए हैं इधर उधर, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं रोज ये नहीं करता तो हैबिट नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। बट आपको एक प्रॉपर अंदाज़ा लग गया होगा कि किसका कैमरा कितना बेटर निकल के आता है। अगर सेल्फी की बात करें तो Mi 11X काफ़ी ज़्यादा बेटर है, जबकि वहीं पे बैक कैमरे की बात करें तो X50 Pro थोड़ा सा स्लाइटली बेटर निकल के आता है, और मैक्रो की बात करें तो Mi 11X। तो दोनों में कुछ कुछ एडवांटेज देखने को मिल जाता है। तो अगर आपने ऑलरेडी दोनों डिवाइसेज को बाई कर रखा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इन फ्यूचर बाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डिसाइड कर पाओगे कि किसे आपको पिक करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।